हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में NX Audio की तरफ से XD5600 एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या आउटपुट देता है, क्या फीचर्स के साथ आता है, कितना तक का लोड चला सकते हैं, मतलब सिंगल बेस, डुअल बेस, टॉप कितने वाट का चलाएं, इसका डंपिंग फैक्टर क्या है, ब्रिज मोड में इसको कैसे ऑपरेट करें, सब चीज को हम बताने वाले हैं और इसका प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रोडीजी इक्विपमेंट्स। अब बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एम्पलीफायर का लुकिंग देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने है NX Audio की तरफ से XD5600 मॉडल का एम्पलीफायर। देख सकते हैं यहाँ पे NX Audio का ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखा है, चेचिस के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में प्रोटोन को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया बाय लोगो और एक 3D स्टिकर यहाँ पे सटा हुआ है जो कि ओरिजिनल पहचानने में आपको मदद करने वाला है। और देख सकते हैं ग्रिल सिस्टम काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी छोटा छोटा प्यारा सा जाली लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया, ठीक है, मतलब कि एयर वेंटिलेशन सिस्टम इसका काफ़ी कूल है। और यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर को काफ़ी यहाँ पे शानदार डिज़ाइन प्रोवाइड करा रहा है ऐसा लुक। और ये जो हैंडल वगैरह देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का होने वाला है और 4 होल्स दिए गए हैं जिसका यूज़ करके आप एम्पलीफायर को फ्लैट केस में फिट कर सकते हैं, उठाने बैठाने में भी काफ़ी आसान होने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के साइड मतलब टॉप में आपको NX Audio का ब्रांडिंग पंच किया हुआ मिलने वाला है, कोई स्टिकर वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बस ये 3D स्टिकर होना चाहिए आपके बैक पैनल में भी, आपके बॉक्स में भी, आपके एम्पलीफायर में भी, मतलब फ्रंट साइड में। और दोस्तों एम्पलीफायर को कंट्रोल करने के लिए 2 गेन नॉब दिया गया है, चैनल ए चैनल बी के लिए, या फिर 1, 2, 3 आप बोल सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्विच आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्विच में से नहीं है, बाई चांस आपके एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट होता है तो वो क्या करेगा, इस एम्पलीफायर का ये जो स्विच है ऑटोमेटिकली गिर जाएगा और एम्पलीफायर में ज़्यादा खराबी नहीं होगा, बार बार ऑफ ऑन करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं NX Audio का यहाँ पे ब्रांडिंग और मॉडल नंबर को मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बात करें इसका यहाँ पे आपको क्या इंडिकेटर्स मिल रहा है, एक्टिव का, सिग्नल का, क्लिप का और प्रोटेक्शन का इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। व्हाइट इंडिकेटर आपका एक्टिव हो जाएगा, ग्रीन कलर से आपको सिग्नल बताएगा कि यहाँ पे आपका सिग्नल आ रहा है, ठीक है। और जब थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा कि कोई LED, तो समझ लीजिएगा कि आपका एम्पलीफायर क्लिप कर रहा है। और प्रोटेक्शन रेड लाइट से आपको शो कर देगा, मतलब कि लाल बत्ती कुछ खतरा हो गया है, या फिर कुछ अगर एम्पलीफायर में शॉर्ट होता है या फिर ट्रिप करता है तो उस केस में भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। और तो और जब आप फर्स्ट टाइम को एम्पलीफायर ऑन करोगे, मतलब कभी भी एम्पलीफायर को ऑन करोगे तो एक्टिव और प्रोटेक्शन एक साथ चालू होगा, फिर प्रोटेक्शन हटने के बाद ही आपका एक्टिव मोड में एम्पलीफायर जाता है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दिए फ्रंट पैनल के बारे में, IS का बैक पैनल के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब क्या आपको चीज दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है NX Audio XD5600 मॉडल का एम्पलीफायर। तो पिछले बार भी हम आपको इसी बैक पैनल का लुकिंग दिखाए थे XD7000 के बारे में, ठीक है। तो हर एम्पलीफायर मतलब कि XD सीरीज का जो भी एम्पलीफायर है उसका बैक पैनल सेम ही होने वाला है। और भाई हमको एक कमेंट भी आया था कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि भाई एम्पलीफायर तो 7000 का है, आप दिखा रहे हैं XD5600 का, तो मैनेज कर लीजिए, बाकी आज आपको 5600 का हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। तो IS के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एयर वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पे काफ़ी अच्छा रखा गया, देख सकते हैं 2 फैन लगा हुआ है जो कि एम्पलीफायर का हीट को जल्दी जल्दी निकालते जाएगा, बैक पैनल से आपका हीट निकलने वाला है। इनपुट के लिए यहाँ पे TRS पिन और XLR पिन का यूज़ किया गया है, आपके पास जो भी है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनपुट आउटपुट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पीकॉन दिया गया है जिसका यूज़ करके आप चाहो तो यहाँ से स्पीकॉन से भी ले सकते हैं आउटपुट, या फिर यहाँ पर बाइंडिंग पोस्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। ब्रिज मोड का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर मैंसन कर दिया गया, देख सकते हैं। ऐसे अगर आप नॉर्मली चला रहे स्पीकॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव में +1 और -1 का यूज करना है, तो आपका ये हो जाएगा स्टीरियो मोड में। सेम आपको यहाँ पे चैनल बी पे भी करना है +1 और -1, तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज मोड में भी अच्छे से मेंशन कर दिया गया +1 और 2+। और अगर वैसा अगर झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो चैनल ए का प्लस बना दीजिएगा और चैनल बी का जो पॉजिटिव है इसको माइनस बना देना है, तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल पहचाने के लिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक आपको स्टिकर मिलने वाला है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सीरियल नंबर भी आपका एक स्टिकर सटा होगा और यहाँ पे मॉडल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में प्रोटोन और बाय NX Audio देखने को मिलने वाला है। AC 230 वोल्ट से 220 वोल्ट तक आप लेके जाइए, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 220 में चलिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं है। और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा हैवी सा मोटा सा केबल देखने को मिलने वाला है जिसका यूज़ करके आप एम्पलीफायर को प्लग करोगे, मतलब कि पावर प्रोवाइड कराओगे, तो ये आपको आउटपुट देगा।
आइए थोड़ा सा स्विचेस के बारे में डिस्कस कर लें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला स्विच हो जाता है लिमिटर का, यहाँ पे आपको ऑन रख के चलाना है ताकि आपका स्पीकर जल्दी से फूकेगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेंसिटिविटी का स्विच देखने को मिलने वाला है कि आप कितने लाउड में चलाना चाहते हैं। इसको जितना पे कम रखेंगे उतना ये ज़्यादा साउंड करने वाला है, जितना इसको बढ़ा कर रखेंगे तो गेन आपको मिक्सर से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे मोड हो जाता है, किस मोड में चलाना चाहते हैं, ब्रिज मोड, पैरेलल मोड और स्टीरियो मोड। तो यहाँ पे हम स्टीरियो मोड में चलाना पसंद करते हैं। ब्रिज मोड का भी अगर कभी यूज़ होता है जैसे कि हैवी स्पीकर रन कराना है तो आप ब्रिज मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैरेलल मोड का ये फायदा हो जाता है कि एक चैनल में इनपुट करने के साथ यहाँ पे दोनों चैनल से आउटपुट ले सकते हैं, मतलब इसमें इनपुट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट मोड है स्टीरियो। आपका कौन सा मोड है आप हमको कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक क्रॉसओवर यहाँ पे दे दिया गया। अगर आपके पास कोई क्रॉसओवर नहीं है, छोटा सेटअप रन कर रहे हैं, बेस चलाना है, टॉप चलाना है अलग, तो आप सबवूफर मोड में डाल के एम्पलीफायर को रन कर सकते हैं। तो सबवूफर में आप डालोगे तो आप 18 इंच बजा सकते हैं, मतलब बेस मोड में आपका चला जाएगा। सबवूफर का तो मतलब यही हो जाता है, और फुल रेंज का मतलब हो जाएगा कि आपके टॉप चलाने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपको बेस भी चाहिए, मिड बेस भी चाहिए, हाई चाहिए, मतलब तीनों फ्रीक्वेंसी चाहिए, लो मिड हाई, तो हमको फुल रेंज में इसको रखना है। ठीक है, सेटेलाइट में भी आपको अगर लाइनर्स चला रहे हैं तो आप सेटेलाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर 12 इंची के टॉप्स चला रहे हैं तो आप सेटेलाइट मोड का यूज़ कीजिए। काफ़ी एकदम मक्खन जैसा आउटपुट आपको मिलने वाला है। अगर हम कभी प्रोग्राम करते हैं दो मतलब कि डबल वारा का यूज़ करते हैं तो हम सेटेलाइट मोड का यूज़ करते हैं, अगर कभी करते हैं तो। ठीक है, बाकी आपको एक लो कट का भी यहाँ पे स्विच दे दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा बात है, और ग्राउंड ऑन ऑफ करने का भी स्विच देखने को आपको मिलने वाला है, तो आप ग्राउंड को भी ऑन रखिएगा। तो एक छोटा सा हम आपको बता दें कि इस एम्पलीफायर का सेटिंग के बारे में, बाकी आप तो कर ही लीजिएगा, काफ़ी इजी होने वाला है। आइए इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें और क्या फीचर्स देखने को मिल रहा है, कितने वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस एम्पलीफायर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। XD5600 यूज ट्रांसफार्मर विथ मोर हेडरूम टू एनश्योर वेरी हाई रिलेबिलिटी इवन वेन द एम्पलीफायर इज अंडर स्ट्रेस वेरी हैवी लोड फॉर एग्जाम्पल एट 2 ohm लोड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स द एम्पलीफायर इज स्टिल वेरी कूल एंड यू आर अवेयर हिट इज बिगर किलर फॉर द एम्पलीफायर्स। मतलब कि आपका जो एम्पलीफायर है, जब आप 2 ओम के लोड पे इस एम्पलीफायर को चलाओगे तो ज़्यादा हीट करने वाला नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं साफ साफ मेंशन कर दिया गया, और लंबे समय तक भी चलाने से इसका कुछ घंटा होने वाला नहीं है। आपको पता है कि एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा किलर, मतलब कि एम्पलीफायर को ख़राब करने वाला, मारने वाला किलर, उसका क्या प्रॉब्लम है पता है? हीट। हीट से अगर आप जितना एम्पलीफायर को दूर रखेगा तो उतना एम्पलीफायर आपका लंबे समय तक चलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के देगा, स्मूथ साउंड देगा, जो आप कह सकते हैं आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे थे, आइए देखते हैं कि ये एम्पलीफायर आपको क्या आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। तो दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर जब हम खरीद लिए हैं, ठीक है, मेरे पास सीरियल नंबर आ जाता है, इसका बैक पैनल से आप ले सकते हैं, बॉक्स से भी ले सकते हैं, तो इसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट माल हमको दे दिया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं NX Audio के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आइएगा तो यहाँ पे रजिस्टर योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सीरियल नंबर मेंशन करना है, क्या प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, परचेस फ्रॉम कहाँ से लिए थे, डीलर सिटी देख लीजिएगा, फिर रजिस्टर कर दीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका एम्पलीफायर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रहेगा तो फिर यहाँ पे वो आपको वारंटी वगैरह आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, रजिस्टर आप नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आइए इस एम्पलीफायर का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि क्या फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, फिर वाटेज के बारे में बताएंगे। सो स्टेबल परफॉर्मेंस, प्रेसाइज वर्कमैनशिप, लो पावर कंजप्शन लेस देन 0.1 एम्पियर व्हेन वर्किंग विदाउट लोड एंड जीरो नॉइस। ठीक है, जीरो नॉइस आपको देखने को मिलने वाला है। हाई एफिशिएंट APS सर्किट फॉर बेस्ट पावर सप्लाई, परफेक्ट हार्ड निक लिमिटर सर्किट प्रोटेक्ट योर लाउड स्पीकर, मल्टीपल टेम्परेचर कूलिंग फैंस, यहाँ पे मल्टीपल फैंस का यूज किया गया, SN रेशियो 103 डेसिबल, मतलब कि यहाँ पे 103 dB देखने को मिलने वाला है, बिल्ट इन हाई पास एंड लो पास क्रॉसओवर, स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रोटेक्शन सर्किट, स्टीरियो पैरेलल ब्रिज मोड आप यहाँ पे चला सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन, आइए इसमें कितना आप लोड चला सकते हैं, कितना आउटपुट आपको मिल रहा है डिस्कस करते हैं। 8 ohm के लोड पे आपको मिल जाता है 1250 वाट पर चैनल,
4 ओम के लोड पे 1700 वाट पर चैनल, 2 ओम के लोड पे 2300 वाट पर चैनल। ब्रिज मोड के बारे में बात करें तो 8 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 3400 वाट और 4 ओम के लोड पे 4500 वाट का आउटपुट, ठीक है, ब्रिज मोनो मोड दोनों चैनल को मर्ज करके। डंपिंग फैक्टर जो कि काफी जरूरी है, 700 का देखने को आपको मिलने वाला है। इससे हाई चाहिए तो आप XD7000 के बारे में जा सकते हैं। आई बटन पे हम वीडियो का लिंक लगा देंगे, आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और XD5600 जो है क्लास एच एम्पलीफायर में आने वाला है। चैनल मतलब इसका रैक के बारे में बात करें तो 3U साइज आपको देखने को मिलने वाला है। वेट का 40 kg, कोई ज़्यादा वेट नहीं है, आराम से आप उठा बैठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस एम्पलीफायर में कितने वाट का बेस चलाना सही रहेगा जो कि अच्छा से कलेजा दलका दे, ज़्यादा हम पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करें तो हमको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाए, ठीक है। तो इस एम्पलीफायर में आप जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने वाट का बेस चलाना सही रहेगा, कितने वाट का टॉप चलाना सही रहेगा। तो दोस्तों 8 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1250 वाट, मतलब कि 1250 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप 1200 वाट सिंगल बेस चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। RMS पावर का, AES पावर का 1500 वाट तक दे सकते हैं, ठीक है, 1800 तक भी ये झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 1500 वाट तक AES डालिए और काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। 700 का डंपिंग फैक्टर है तो मिला जुला के आपका अगर थोड़ा सा लोएस्ट में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1700 वाट का आउटपुट। तो कितने वाट का बेस चलाना सही रहेगा, डुअल बेस चला रहे हैं, एक चैनल पे डुअल बेस दूसरे चैनल पे डुअल बेस, तो 4 ओम के लोड पे आपको मिल रहा है 1700 वाट का आउटपुट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 800 वाट का स्पीकर डाल के चलाना चाहिए। 800 कितना हो गया 1600 वाट, 100 वाट यहाँ पे हाई रह रहा है तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर AES पावर का स्पीकर है आपके पास 1000 वाट का तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये खेल कूद के चला देगा। तो यहाँ पे हम आपको सिंगल बेस डुअल बेस के बारे में बता दिए। आइए टॉप के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितने वाट का टॉप चलाना सही रहेगा, मतलब स्पीकर कितने वाट का रहे सिंगल जो भी रहेगा हमारे टॉप में। तो आइए हम आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं। 4 ओम के लोड पे आपको मिल रहा है वही 1700 वाट का आउटपुट पर चैनल। अगर एक चैनल पे एक टॉप चला रहे हैं दूसरे चैनल पे टॉप चला रहे हैं तो कितने वाट का स्पीकर होना चाहिए, तो कम से कम 800 वाट का स्पीकर डाल के चलिए। 4 ओम के लोड पे अगर आप चला रहे हैं सिंगल टॉप तो आप चला सकते हैं। 8 कितना हो गया 8 1600 वाट, 100 वाट का HF 1700 वाट, तो लोड टू लोड ये आपको आउटपुट काफ़ी अच्छा आउटपुट और स्मूथ साउंड देने वाला है, मतलब कि काफ़ी अच्छा आपको दिल को छूने वाला आउटपुट ये निकाल के दे देगा, ठीक है। और बात करें 2 ओम के लोड पे तो 2300 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो 400 से 500 का स्पीकर रहे RMS पावर का तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। 600 वाट AES पावर तक लगा सकते हैं, 700 तक भी ये झेल लेगा, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप AES पावर का लगाइएगा तो 500 वाट तक लगाइए, काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो उसका भी कॉम्बिनेशन देख ही लेते हैं। 5 कितना हुआ 1000, 1000 2000 वाट और 100 वाट का HF, तब फिर भी आपके पास 100-150 वाट यहाँ पे बच जाएगा, 100 वाट बच रहा है तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिलने वाला है। अगर लोड पे भी आ जाए मतलब कि 2300 से 2300 अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका टॉप हो जाता है दो टॉप मिला करके 2300 वाट का एम्पलीफायर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है 2300 का, तो चलाना चाहिए या फिर नहीं, आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसा मेरे पास बहुत ऐसा केस हुआ है कि एम्पलीफायर थोड़ा कम पड़ जाता है स्पीकर ज़्यादा पड़ जाता है तो भी झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिंगल टॉप डुअल टॉप के बारे में भी बता दिए। आइए अब देखते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो हमेशा की तरह हम आपको बहुत दिन के बाद इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे लाए एक सटीक आंकड़ा बताने के लिए। तो देख सकते हैं NX Audio का XD5600 एम्पलीफायर यहाँ पे है, देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया प्रोटॉन एम्पलीफायर XD5600 44500, मतलब कि 44500 के बीच में आपको ये एम्पलीफायर इजीली मिलने वाला है। और देख सकते हैं ये राजस्थान का ये प्राइस होने वाला है, दिल्ली में कुछ और प्राइस हो सकता है, बिहार में कुछ और हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि 40 से 46 47 तक भी जा सकता है, कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, बट इस रेंज में आपको ये एम्पलीफायर मिल जाएगा। तो अगर आप सिंगल टॉप चलाना चाहें या फिर डुअल टॉप चलाना चाहें, डुअल बेस चलाना चाहें या फिर सिंगल बेस चलाना चाहें तो आप इस एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो 40-45 का बजट अगर आपका है तो आप इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 2 ओम भी स्टेबल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आपको एक बता दिए कि आप इस एम्पलीफायर में देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो NX Audio XD5600 एम्पलीफायर के बारे में। तो सारा पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किए, अगर कुछ छूट गया हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और NX Audio का क्लास D एम्पलीफायर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहेंगे, NX Audio MT2201। तो इस एम्पलीफायर का यूज करके आप हैवी से हैवी बेस चला सकते हैं और इसी चीज के लिए इसको डिजाइन भी किया गया है। अगर आप इस एम्पलीफायर का यूज करोगे तो क्या सच में भूकंप आ जाएगा, जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।